दोस्तों, अगर आप भी आज भारतीय टीम के विश्व चैंपियन बनने से बेहद खुश हैं, रोहित और कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टीम इंडिया ने T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में अफ्रीका को रौंदकर 17 साल बाद सजाया विश्व कप का ताज अपने सिर पर। फिर ICC और BCCI ने मिलकर कर दी भारतीय खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश। रुपए देखकर पूरी दुनिया के उड़ गए होश। तो आखिर वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के बाद किस टीम को कितने रुपए मिले हैं, भारतीय खिलाड़ियों को कौन से अवार्ड और कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं, साथ ही साथ लूजर टीम अफ्रीका और पाकिस्तान जैसी टीमें भी कैसे मालामाल हो गई, सब कुछ तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है रोहित और कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी है, अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, 29 जून 2024 की तारीख को इतिहास के पन्नों में टीम इंडिया ने सुनहरे अक्षरों में लिख दिया, क्योंकि यही वो हसीन रात है जब सालों पुराने 11 सालों के इंतजार को खत्म करते हुए रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया और विश्व चैंपियन का ताज अपने सर पर सजाया है। हालांकि ये चुनौती आसान तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कांटे के रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में अंतिम गेंद पर कह पाने वाला मुकाबला नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी करने वाली अपने नाम मुकाबला तराजू पर लटका हुआ था, जिसमें टीम इंडिया की सांसें अब तक हलक में फंसी हुई थी। लेकिन अंत में भगवान ने हमारा साथ दिया और 140 करोड़ भारतीयों के जख्मों पर मरहम भी लगा दिया। इस मैच में टीम इंडिया ने भले ही केवल 176 रन बनाए हों, सबने सोचा था कि यह लक्ष्य कम पड़ जाएगा, लेकिन जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप की लाजवाब गेंदबाजी के चलते टीम इंडिया ने इस मुकाबले में तगड़ी वापसी की, अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को नेस्तनाबूद किया। तो फिर जब क्लासेन के 27 गेंद पर 52 रनों की ताबड़तोड़ बदौलत अफ्रीका मैच में वापस कर पाई, तो फिर जब क्लासेन ने 27 गेंद पर 52 रन की बदौलत अफ्रीका मैच में वापस करी, तो उन्हें जीत के लिए 24 गेंद पर सिर्फ 24 रन चाहिए थे। तब हार्दिक पांड्या ने आते ही सबसे बड़ी मछली क्लासेन को आउट कर टीम इंडिया की तगड़ी वापसी करवाई। तो फिर बुमराह के साथ मिलकर अर्शदीप ने मैच को फंसा दिया। बुमराह ने मार्को जॉनसन का शिकार कर टीम इंडिया की तरफ मैच को झुकाया। अंतिम ओवर में जब अफ्रीका को जीत के लिए केवल 16 रन चाहिए थे, तब पहले गेंद पर हार्दिक ने अफ्रीका की आखिरी उम्मीद डेविड मिलर का शिकार कर टीम इंडिया की जीत 99% सुनिश्चित कर दी थी। और अंतिम गेंद पर टीम इंडिया ने जीत का झंडा गाड़कर अफ्रीका 2000 T20 विश्व कप के चैंपियन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इसके बाद तो जीत का जश्न अपार है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे जश्न मनाया जा रहा है जैसे दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। सभी भारतीय खिलाड़ी बेहद खुश थे। रोहित कोहली की आंखों से आंसू आ गए थे। कप्तान रोहित ने कोहली को गले लगाया, सबको बधाई दी। हिंदुस्तान का झंडा स्टेडियम में गाड़कर उन्होंने जीत का जश्न में 4 चांद लगा दिए। तो वहीं अब अफ्रीका और अन्य टीमों को भी अब उनकी मेहनत का इनाम देते हुए मालामाल किया गया और उन पर पैसों की बारिश की गई। विश्व चैंपियन भारत को करोड़ों रुपए मिले। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह आखिर मालामाल तो हुए ही, साथ में सूर्य और रोहित शर्मा अफ्रीकी खिलाड़ियों की भी किस्मत चमक गई है। तो आखिरकार किसे क्या मिला, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले सबको बड़ा नाम निकल कर आता है विराट कोहली का, जिन्हें इस मुकाबले में उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, क्योंकि उन्होंने उनके ही 76 रनों की बदौलत टीम इंडिया ये मुकाबला जीत पाई है। उन्हें ट्रॉफी के साथ साथ 10 लाख की बड़ी धनराशि भी सौंपी गई और ये अवार्ड लेते समय विराट कोहली काफ़ी खुश थे। हालांकि जाते जाते उन्होंने T20 से संन्यास का ऐलान कर दिया है, जो उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन विराट यह फैसला लेकर काफी खुश थे। इसीलिए उन्होंने फैंस को भी इसमें कोई आपत्ति उनके नहीं थी, क्योंकि विराट कोहली ने खुद ही उनका सपना उनका सच हो गया था और इसमें बेस्ट टाइम नहीं हो सकता था इससे संन्यास लेने का। तो वहीं दोस्तों, अगला अवार्ड मिला है सबसे चहेते जसप्रीत बुमराह को। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह ने इस टूर्नामेंट में सबसे अपनी अधिक गेंदबाजी से तहलका मचाया
गया है, जिसके चलते जसप्रीत बुमराह को इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। उन्हें केवल एक चमचमाती ट्रॉफी दी गई है, साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह को 15 लाख रुपए की भारी भरकम रकम भी उनकी मेहनत के लिए दी गई है। और ये अवार्ड पाने के बाद तो जसप्रीत बुमराह खुशी से ही उछल पड़े थे। उन्होंने अपने फैंस और रोहित शर्मा का धन्यवाद किया, और साथ ही साथ इतना बड़ा अवार्ड पाने के बाद तो ऐसा लग रहा था उनकी खुशियों में 4 चांद लग गए हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए बात करते हैं आखिर चैंपियन टीमों को कितने करोड़ रुपए मिले हैं। तो आपको बता दें T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के लिए हमारी प्यारी टीम इंडिया को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को कुल 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कितनी बड़ी रकम है ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और केवल यही नहीं मिला, बल्कि ICC और जय शाह की तरफ से स्पेशल गोल्ड मेडल भी बारी बारी सभी भारतीय खिलाड़ियों को दिए गए। उन सभी को बेहद स्पेशल सम्मान दिया गया, और जय शाह ने सबको सीने से लगाकर उनको थैंक यू भी बोला। इसके साथ साथ हर एक खिलाड़ी को जय शाह ने 5-5 लाख रुपए अपनी तरफ से पर्सनली देने का ऐलान किया है, जिसने इन सभी खिलाड़ियों को खुशियां तो उनकी दोगुनी कर दी है। तो वहीं दोस्तों ICC ने किसी को निराश नहीं किया, बल्कि भले ही साउथ अफ्रीका विश्व कप नहीं जीत पाई, लेकिन रनर अप होने के नाते भी उन्होंने अब टीम इंडिया को आधी 10.6 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम सौंपी है, जो उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफ़ी था। पहले तो अफ्रीकी खिलाड़ी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाए कि हारने के बावजूद भी उन्हें इतनी बड़ी रकम दी जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ सिल्वर मेडल पाने के बाद सभी खिलाड़ी चौंक गए। 9वें पोजीशन पर से लेकर 12वीं पोजीशन तक की चारों टीमों को सभी को 2.6 करोड़ रुपए पर्सनली दिए गए हैं। तो वहीं 13वीं पोजीशन से 20वीं पोजीशन पर मौजूद सभी टीमों को 1.87 करोड़ रुपए ICC की तरफ से दिए गए हैं, जो कि ICC की दरिया दिली को दिखाता है। और उन्होंने दिखा दिया कि वर्ल्ड कप में किसी की मेहनत पानी में नहीं मिलने वाली है। फिर आती है बारी दोस्तों सबसे मैन अवार्ड की, जो है विश्व कप की ट्रॉफी। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में चमचमाती हुई T20 विश्व कप की ट्रॉफी दी गई, साथ ही साथ उन्हें 20 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी थी, जिसके लिए इन सभी भारतीय खिलाड़ियों ने इतने सालों से मेहनत की। 11 साल बाद हिंदुस्तान विश्व चैंपियन बना, ऐसे में ये ऐतिहासिक लम्हा था। तो पैसों की बात तो भूल ही जाइए, 20 करोड़ रुपए तो BCCI खुद अपने खिलाड़ियों को इनाम के तौर पर दे देगी, ये उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ICC जितनी बड़ी कीमत विश्व चैंपियन की दे रही है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है कि हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने न केवल नाम और इज्जत कमाई है, बल्कि अब करोड़ों रुपए भी अपनी झोली में भरकर लेकर आए हैं। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े इनाम अन्य खिलाड़ियों को मिले हैं, जहां इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहमतुल्ला गुरबाज को भी 15 लाख रुपए मिले। तो वहीं टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 17 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह की भी किस्मत खुल गई, उन्हें भी 15 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए गए। यानी कि दोस्तों ये टूर्नामेंट सबके लिए खुशियां अपार लाया है, और वहीं टीम इंडिया के लिए ये खुशियां नहीं बल्कि त्यौहार लेकर आया है। तो ये शाम अब आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया का कोई भी क्रिकेट प्रेमी अपने दिलों में जान से नहीं निकाल पाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।